Hey guys, welcome back to the RN Stocks. कैसे हैं आप सब? बस सब अच्छे ही होंगे. तो आई गेस आप लोग मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे जो मैं इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया हूँ. पहले के जो व्लॉग्स थे उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब के जो व्लॉग्स हैं वो इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करता हूँ. आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, वो चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ. तो आज का जो व्लॉग है वो है टेक से रिलेटेड. जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि साइबर क्राइम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उस बेसिस पर मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा. वो भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए है, जिससे कि आप लोग जो ये प्रोसेस है ये ना होने दें, अगर ये प्रोसेस नहीं होने देंगे टैक्स से रिलेटेड तो आप लोग सेफ रहेंगे. तो जो टॉपिक है वो है व्हाट्सएप साइबर क्राइम से रिलेटेड. व्हाट्सएप पे आजकल बहुत सारे ग्रुप्स अलग अलग ज्वाइन हो जाते हैं, कोई ना कोई हम लोग को ज्वाइन कर लेता है एक किसी ना किसी ग्रुप में, और वो ग्रुप हम लोग जानते भी नहीं है किस चीज़ से रिलेटेड है. या कभी कभी अननोन इंसान के भी मैसेज हमारे पास आ जाते हैं कि लिंक को क्लिक करिए तो आप लोग इस पेज पे पहुंच जाएंगे, यहाँ से आपको जैकपॉट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उस लिंक पे ना क्लिक करा करिए, बिकॉज उस लिंक पे क्लिक करने से आपका जो व्हाट्सएप है वो उनके अंडर में चला जाता है. ओटीपी कुछ नहीं मांगता है उन लोग से, डायरेक्टली वो हैक कर लेते हैं. तो वो लिंक जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज देता है, बहुत ज़्यादा हार्म करता है आपके व्हाट्सएप को, और आपके जितने भी डेटा हैं, जितने मैसेजेस हैं, सब वो देख सकते हैं जब आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं. क्योंकि वो जो लिंक होता है वो होता है एक टाइप का वायरस. वो वायरस आपके पूरे फ़ोन को हैक कर लेगा. फ़ोन का जितना डेटा है, व्हाट्सएप का जितना डेटा है, जितने कॉन्टैक्ट्स, जितने मैसेजेस हैं, वो सब वो देख सकते हैं. फिर आपके लोगों को मैसेज करेंगे, वो आपके लोगों को जब वो मैसेज करेंगे तो हो सकता है कि वो आप बन के पैसे मांगेंगे. तो आप बन के जब वो पैसे मांगेंगे तो हो सकता है वो अपना अकाउंट नंबर दें कि इस नंबर पर नहीं, इस नंबर पर ट्रांसफ़र कर दो क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है. और फिर हो सकता है कि आपके जो रिलेटिव हैं आपको समझ के, हो सकता है कि वो पैसे सेंड कर दें. जब वो आपको समझ के पैसे सेंड कर देंगे तो वो जो पैसा है वो उनके अकाउंट में चला जाएगा. एंड इस तरह से साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है. साइबर क्राइम बहुत तरीके से बढ़ रहा है, इंस्टाग्राम पे भी बढ़ रहा है, व्हाट्सएप पे भी बढ़ रहा है. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उस लिंक पे टच ना करें. ज़्यादातर अगर अननोन के मैसेजेस आ रहे हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, उन्हें अवॉइड करिए, उन्हें ब्लॉक करिए. क्योंकि जब आप जानते नहीं हैं तो आप क्यों उस चीज़ को क्लिक कर रहे हैं? प्रॉफिट के चक्कर में ना पड़िए. प्रॉफिट आपको कोई फ्री में पैसा नहीं देगा. पहली बार आज का टाइम ऐसा है कि अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको पैसा मिल सकता है. अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कोई प्रॉफिट ऐसे फ्री में पैसा नहीं देता है. तो अगर कोई इतना ही भला इंसान आपको पैसा देना चाहता है तो बहुत बड़ा ही आदमी होगा. लेकिन अब बड़ा आदमी है तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको लिंक शेयर करेगा और कहेगा कि भैया इस पर क्लिक करो तो आपको कार मिल जाएगी या आपको पैसा आपके अकाउंट मिल जाएगा. तो यही थी छोटी सी वीडियो, और मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि किस टाइप से व्हाट्सएप जब हैक होता है तो आपके अकाउंट से भी पैसे जा सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा. तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, एंड डू लाइक द सब्सक्राइब द चैनल. अगर अच्छा लगा वो व्लॉग तो शेयर भी कर दीजिए. तब तक के लिए बाय बाय.